सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका सौम्या कुकून में। तो आज मैं आई हूँ सफदरजंग टूम और यहाँ की सैर पे आपको भी ले चलती हूँ अपने साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सफदरजंग टूम एक सैंडस्टोन और मार्बल से बना हुआ मकबरा है। यह 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। मुगल काल का यह आखिरी बड़ा आर्किटेक्चर है, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आपको पता है, लेटर मुगल्स के टाइम पर पैसे उतने नहीं थे मुगल शासकों के पास, तो ये लगभग 1754 के आसपास बना था। और क्योंकि मुगल काल का है तो ऑफकोर्स ये मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है। मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे डोम्स होते हैं और ये आर्चेज होती हैं, और इसमें आपको इंडियन स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल दोनों ही देखने को मिलेगा। इसका जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मार्बल और सैंडस्टोन का यूज़ होता है, और जो इसमें मेन गेटवे होता है जिससे कि आप घुसकर मेन बिल्डिंग में जाते हैं, वो काफ़ी बड़ा होता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है मुगल काल की। फिर डेकोरेटिव छतरीज भी होती हैं, ऊपर जो छत्र होता है वो। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वॉशरूम है, और मैं आपको एक 360 डिग्री व्यू दिखा रही हूं यहाँ का। इस मकबरे के चारों ओर चार बाग स्टाइल में गार्डन है। बड़े बड़े वृक्ष हैं, और क्योंकि मैं शाम के समय पर गई थी तो एक खूबसूरत सा आप सनसेट भी ऑलमोस्ट होता हुआ देख सकते हैं। बीच बीच में रेड सैंडस्टोन पे किस दिशा में जाने से आप कहाँ पहुँचेंगे ये भी लिखा हुआ है, वो ऑल्दो मुगल काल में नहीं लिखा गया था, वो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो उन्होंने लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर लिख रखा है कि आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। और सामने आप देख सकते हैं मॉस्क, ये भी मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बीच में ये फाउंटेन चलता है, इसमें एक ही फाउंटेन चलता है एंट्रेंस से घुसते ही। जो सामने आपको मकबरा दिखेगा उसके जस्ट सामने ही आगे की तरफ का जो फाउंटेन है यही चल रहा है इस वक्त। यहाँ पे पर्यटक दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से, इस खूबसूरत से आर्किटेक्चर का लुत्फ उठाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये कितना विशालकाय है। जिस प्लेटफॉर्म पे बना है ये, वो प्लेटफॉर्म ही 50 फीट के आसपास ऊंचा है। खूबसूरत फाउंटेन में खूबसूरत पौधों का प्रतिबिंब दिखता हुआ। ये देखिए, जो ये आर्च है ना, ये मुगल काल से ही यहाँ की सारी आर्किटेक्चर में इनकलकेट हुई है। इसके पहले ऐसी आर्चेज नहीं होती थी। ज़्यादातर आपने पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर जो देखा है या इस्लामिक स्टाइल, उसमें ऐसा होता है। और इसमें जो ये कट्स हैं, ये थोड़ा राजपूताना स्टाइल है, इसीलिए ये सारी जो आर्किटेक्चर्स हैं इनको इंडो इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इस्लामिक होने के साथ साथ इनमें इंडियन टच भी है। ये साइड में शायद एक कुआं है जो कि अभी बंद कर रखा है इन्होंने, और आप इस तरीके से देख सकते हैं बीच बीच में जगह है जहां से सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए, और नीचे शायद इसकी देखभाल करने के लिए जो भी रक्षक रहते हों उनके लिए कमरे बने हों। आज की डेट में तो वो कमरे बंद हैं, वहां अंदर नहीं जा सकते। और ऑफ कोर्स
जहाँ भी सफदरजंग जी और उनकी बीवी को, बेगम को दफनाया गया था, तो वहाँ अंदर जाने का भी हो सकता है रास्ता वही नीचे से हो। ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, वो 50 फीट ऊपर चढ़ के आप मेन मकबरा जहाँ पर है उस प्लेटफॉर्म पर पहुँचते हैं। ये देखिए इसकी खूबसूरती, इसमें छतरीज, झरोखाज, जाली, ये देख रहे हैं आप जो ये इसकी बाउंड्री है साइड में, इसमें जाली वर्क है। फिर यहाँ पे ऑर्नामेंटेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। छोटा सा और प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर चढ़ के आप मेन मकबरे के अंदर पहुँचते हैं। इसके अंदर जाने के लिए आप चारों तरफ से जा सकते हैं, चारों तरफ से सेम ऐसा ही है ये। जहाँ पर सफदरजंग जी और उनकी बीवी को दफनाया गया है, ये वो मेन एरिया है। ये आप देखिए चारों तरफ से आप एंटर कर सकते हैं इसमें, और इस पे काफ़ी अच्छी एनग्रेविंग्स हैं। इसको भी वाइट मार्बल से बनाया है और अलग से, मतलब ये सिंबॉलिक है, उन्हें काफ़ी नीचे दफनाया गया होगा, पर ये यहाँ पे मेन सिंबॉलिकली ऐसा पोडियम सा छोटा बनाया है जिससे कि लोगों को समझ में आ सके, और इस पे भी काफ़ी अच्छी कार्विंग है। एक तरफ से घुस के मैं उसके ऑपोजिट साइड जा रही हूँ, देखिए यहाँ से भी एंट्री सेम है, वही प्लेटफॉर्म पर चढ़ना, दो तीन सीढ़ियाँ लेके, और वो जो आपको दो खांचे दिख रहे हैं वो भी उधर से आने के लिए भी वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ से आने के लिए सीढ़ियाँ हैं इसमें। और फाइनली बाहर जाने के लिए बीच में भी वेरांडा सा पड़ता है। ये जो ज़्यादातर आपने पुरानी बिल्डिंग्स में देखा होगा, लोग अपना नाम लिख लेते हैं ऐसे, मेरी ओपिनियन पूछिए तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए ये 1754 में बना था और आज से लगभग 30-32 साल बाद इसको पूरे 300 साल हो जाएंगे। तो 300 साल से कोई इतनी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है उस पे आप इस तरीके से अपना नाम लिख के उसे क्यों डिस्ट्रॉट करते हैं? तो ऐसा प्लीज़ कोशिश करिए कि आप ना करें। बेसिक पॉइंट्स की बात करें अगर मुगल कालीन आर्किटेक्चर के, तो एक तो आपको इसमें इंडियन इस्लामिक टच दोनों दिखता है। इसमें वाइट मार्बल और सैंडस्टोन का यूज़ होता है, क्योंकि ये काफ़ी बाद में बना था, लेटर मुगल के टाइम पर, तो इतना वाइट मार्बल सैंडस्टोन के कंपैरिजन में महंगा आता है, तो ये सैंडस्टोन में ही ज़्यादातर बना है। कुछ पोर्शंस हैं जहाँ पर वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, और चारों कोनों पर ऐसा यह ऑक्टागनल शेप गोलाकार मतलब जगह है जहाँ से कि आप देखेंगे अभी, तो आपको पूरा जो टूम्ब है उसका आर्किटेक्चर एकदम एक व्यू में आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आर्चेज हैं और उसको छोटा छोटा एनग्रेविंग है, आपको कहीं कहीं पर यहाँ पर कुरान के वर्सेस भी देखने को मिल जाएंगे, और चारों तरफ इसके चारबाग स्टाइल का गार्डन भी है। ऊपर जो आप छत्र देख रहे हैं वो आपको कुछ कुछ राजपूत स्टाइल से जो आर्किटेक्चर होता है वो देखने को मिलेगा, इसीलिए झरोखे भी देखने को मिलते हैं। कुछ लोग इस टूम्ब को कहते हैं कि उतना अच्छा तरीके से नहीं बना है जैसा कि हुमायूं टूम्ब बना है या फिर ताजमहल बना है, तो ऑफकोर्स ऐसा ही है, क्योंकि जैसे जैसे लेटर मुगल्स का टाइम था तो उतने ज़्यादा पैसे नहीं थे मुगल शासकों के पास। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें
तो ये सफदरजंग जी जो थे ये नवाब ऑफ अवध थे, उनके बेटे शुजाउद्दौला ने ये मकबरा बनवाया था। ये वही शुजाउद्दौला हैं जो 10 साल बाद मीर कासिम का साथ देंगे बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों के खिलाफ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हेक्टर मुंड्रो उसको लीड कर रहे थे। और ये मुगल आर्किटेक्चर का आखिरी एग्जाम्पल है। सफदरजंग की बात करी जाए तो क्योंकि उस वक्त लेटर मुगल्स काफी वीक थे, तो ये एक तरीके से वजीर थे मुगल काल के, और इनको मानते हैं कि ये काफी एक्सप्लॉयटेटिव थे। जो मुगल बादशाह सिर्फ डमी बादशाह थे, ज्यादातर जो वजीर होते थे वही ही शासन चलाते थे और वो किसी की सुनते नहीं थे, तो इन्हें बिल्कुल रिबेल जैसा माना जाता था। तो इनका मकबरा बनाने के लिए मुगल जो लोग थे, आगे के जो बादशाह है, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो सफदरजंग के बेटे शुजाउद्दौला ने काफी मिन्नतों के बाद ये अप्रूव करवाया था और फाइनली ये टूम अपने फादर की याद में बनवाया था। और अगर आपने अर्जुन कपूर की वो पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाली पिक्चर देखी है जिसमें कि संजय दत्त ने अहमद शाह दुरानी का रोल निभाया है, तो उसमें आप देखते होंगे कि शुजाउद्दौला के पास दोनों साइड की पार्टीज जाती हैं, मराठास भी और अहमद शाह दुरानी भी, कि जो भी शुजाउद्दौला जिनका भी साथ देंगे वही वाली पार्टी जीतेगी। और फाइनली होता भी ऐसा ही है, शुजाउद्दौला अहमद शाह दुरानी का साथ देते हैं और वही जीतते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सफदरजंग टूम की सैर? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, लोगों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।